दानापुर नासरीगंज स्थित फक्कर महतो घाट पर शुक्रवार की सुबह हृदय विदारक घटना घट गई। दियारा के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटा कासिंचक जा रहे 28 वर्षीय शिक्षक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक अपने अन्य साथियों के साथ स्कूल जाने के लिए गंगा घाट पर नाव पर सवार हो रहे थे, तभी सामने से आ रही नाव से टक्कर हो गई। इस टक्कर में बीपीएससी शिक्षक गंगा नदी में गिर गए और देखते ही देखते गंगा में समा गए। कोई कुछ नहीं किया, अगर वो लोग चाहते एक फीट, बस एक फीट में ऐसे उनका पैर ऐसे हुआ है, बस एक, अगर वो एक रस्सा लेकर कूद जाता, एक रस्सा लेकर वो कूद जाता, कोई सहायता नहीं। सारे 8:25 की घटना है, ये 8:25 की घटना है, अभी तक 8:25 में ये घटना घटी है, अभी तक कुछ नहीं, ना एनडीआरएफ की टीम, ना एसडीआरएफ की टीम, कुछ नहीं। आप बताइए सर, यार में इतना सारा स्कूल, हम लोग जान जोखिम पर, आज हमारा साथी तो चला गया, आज उसकी तो उसके फैमिली में क्या हो रहा होगा, हम लोग पर क्या बीत रही है, हम लोग समझ रहे हैं। हमको हमारा टीचर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा टीचर वापस चाहिए। हादसे के वक्त शिक्षक के साथी बचाने के लिए शोर मचाते रहे, मगर कोई बचाने नहीं आया। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद करीब 10 की संख्या में मौजूद नाविक अपना अपना नाव लेकर फरार हो गए। मृतक की पहचान पिता राजकरण प्रसाद के पुत्र अविनाश कुमार के रूप में हुई है, जो फतुहा के सरथुआ में घर बना के रह रहे हैं एवं मूल निवासी तोप गांव दनियावा के हैं। अविनाश की डूबने की खबर फैलते ही आसपास के स्कूल के सभी शिक्षक इकट्ठे हो गए। हम लोग के डूबने के लिए सीयर के स्कूल खोले हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। नाव पर मेरा साथी अविनाश कुमार चढ़े और गोड़ पिछल गया, नीचे डूब गए। उनके लाश के लिए हम लोग एसटीएफ के 3.5 घंटा हो गया बोलते हुए नहीं आया है, का अंतोगत्वा हम लोग आकर के रोड जाम कर रहे हैं। घटना के 2 घंटे बीत जाने के बाद एसडीआरएफ की टीम के नहीं पहुंचने पर वे आक्रोशित हो गए। उन्होंने पटना दानापुर मुख्य मार्ग को जाम कर धरने पर बैठ गए। आज हादसा हुआ, शिक्षक क्वेश्चन कॉपी लेके जा रहे थे और नदी किनारे जैसे उनकी गाड़ी आगे नाव पर चढ़ गई तो पीछे से चढ़ रहे थे, नीचे गिर गए। चाहते तो लोग बचा सकते थे, लेकिन कह रहे हैं कि मिले ही नहीं। प्राप्त हुई जिसमें यह सूचना थी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमचक के एक शिक्षक थे अविनाश कुमार, उनका यहाँ नाव पर पांव फिसलकर डूबने से मौत हुई है। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को जांच करने का निर्देश दिया। एसडीआरएफ की बोट यहाँ पर आई है जो बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रही है और तत्काल जो सहायता पहुँचाई जा सकती है सभी विभागों के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उसके लिए हम लोग सभी लोग एक्टिव हैं। इसकी जाँच कराई जाएगी कि किसकी लापरवाही थी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। घटना हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत दुखद है घटना, बहुत दुखद है। मुझे ये जानकारी मिली कि टीचर लोगों का पहले गर्मी में जो छुट्टी होता था उसके एवज में बरसात में छुट्टी होता था, मगर बाद के दिनों में नियम में कुछ परिवर्तन हो गया और उसके बाद ये दुखद घटना। ये तो पानी है, कहाँ पानी है, टीचर की जान चली गई। हम तो आग्रह करेंगे सरकार को, मैंने जो साहब को आग्रह किया है, डीएम साहब को भी आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करिए और पुरानी व्यवस्था लागू करके दियारा में बरसात के समय में स्कूल को बंद करिए और गर्मी के समय में। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।